हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। कैपिटल लेंडिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर आपको पता है कि पिछले 11 दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच यहां पर इस तरीके से यहां पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है और लगातार इसके बारे में ग्लोबल मार्केट में आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज निकल करके आती है। क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबल मार्केट यानी कि पश्चिम के देश है, यूरोप, यहाँ पर वो पूरे देश यहाँ पर रशिया पर सेंक्शन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसी सेंक्शन की बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बात करते हैं फ्यूज बैंकिंग और बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और उसमें जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं सभी कंट्री, क्योंकि इसी के जरिए जो ग्लोबल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको यहाँ पर एक तरीके से प्रोसेस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या न्यूज़ निकल कर क्या आ रही है और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है और यहाँ पर अभी जो हमारी सभी बैंक है वो स्विफ्ट सिस्टम के जरिए रशिया के फ्रेंड्स को यहाँ पर सेंक्शन कर रही है या फिर किस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे और यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ उसके बारे में बात की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया अवेटिंग गवर्नमेंट और RBI की गाइडलाइन, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट और RBI की गाइडलाइंस के यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं यहाँ पर स्विफ्ट ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। क्योंकि यहाँ पर रशियन एंटिटीज़ के साथ जो यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है PNB, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर निकल कर के आ रही है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो है इंडियन गवर्नमेंट या फिर RBI की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि रशियन एंटिटीज़ के साथ आप यहाँ पर एक तरीके से जो ट्रेड करते हैं और उसके ट्रांजेक्शन यहाँ पर निकल कर के आते हैं बैंक के पास, तो उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्विफ्ट के जरिए वो सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पर प्रोसेस होते हैं, यहाँ पर उसके लिए अभी जो वेटिंग कर रहे हैं ऐसा यहाँ पर PNB का बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बताते हैं कि किस तरह की बातें निकल करके आ रही है। यहाँ पर बताया गया कि कंट्री का जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, उन्होंने बताया कि इट वॉज एडवाइजरी फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर रिगार्डिंग स्विफ्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वेटिंग कर रहे हैं क्योंकि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट या फिर यहाँ पर डेफिनेटली कंसीडर करना होगा। उसके अलावा बात करते हैं इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, यहाँ पर सेवरल कंट्रीज है जैसे कि US, कनाडा एंड सर्टेन यूरोपियन नेशन, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया सम रशियन बैंक को यहाँ पर स्विफ्ट ट्रांजेक्शन को यूज कर दिया। यहाँ पर जो उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से सेंक्शन लगाए जा रहे हैं इकोनॉमिक, जिससे जो यहाँ पर वो थोड़ा सा दबाव में आए और यहाँ पर जो है यूज चलता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिप्लोमेटिक लेवल पर यहाँ पर लेकर के आया और उसको जो सिचुएशन को सोल्व करने की कोशिश करी। क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबल बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो उसी सिस्टम के जरिए होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर क्या निकल कर क्या रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया कि वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी एडवाइजरी फ्रॉम द RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री रिगार्डिंग स्विफ्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन विथ रिस्पेक्ट ऑफ रशिया, यानी कि यहाँ पर जो अभी तक RBI या फिर यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई यहाँ पर एक तरीके से बात या कमेंट्रीज निकल कर के नहीं आई है या फिर एडवाइजरी भी इश्यू नहीं की गई किसी भी बैंकिंग चैनल को। तो वो जो यहाँ पर एक तरीके से अवेटिंग कर रहे उसी चीज़ के रिलेटेड यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या अप्रोच रहता है। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट अभी बोलती है तो उसको जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर उसको रोकने होंगे सभी बैंक्स को ब्लो यहाँ पर एक तरीके से कानून के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर वो यहाँ पर चल रहा है स्विफ्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर गाइडलाइंस नहीं आई है RBI फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, ऐसा जो PNB के सोर्सेज का कहना है। क्योंकि रिस्पॉन्स टू क्वेरी ऑन रशिया रिलेटेड ट्रांजेक्शन, यानी यहाँ पर क्वेरी की गई थी रशिया रिलेटेड ट्रांजेक्शन। और मीनवाइल यहाँ पर बताया गया कि सेड द इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टॉप प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन ऑफ रशियन एंटिटीज दैट हैव बीन सैंक्शन्ड बाय वेस्ट ओवर द मॉस्को इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है यहाँ पर SBI, उसने जो ट्रांजेक्शन को यहाँ पर एक तरीके से स्टॉप किया स्विफ्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करना। क्योंकि यहाँ पर इसी बात से यहाँ पर बातें निकल करती है कि PNB जो अभी प्रोसेस कर रही है लेकिन हमारा जो यहाँ पर SBI वो उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रोक के रखा हुआ है क्योंकि ग्लोबल ट्रांजेक्शन है रशियन एंटिटीज का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बायलेटरल ट्रेड की बात करते हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया की, तो वो यहाँ पर $ 9.4 बिलियन पे यहाँ पर शुरू करता है यहाँ पर करंट फिस्कल ईयर की बात।
यूएस डॉलर की बात करते हैं तो यहाँ पर अमेरिका के साथ जो 8.1 बिलियन डॉलर का हुआ था 2020 एंड डिफेंस यहाँ पर जो यहाँ एक तरीके से ऑलमोस्ट जो 1 बिलियन डॉलर का कम यहाँ पर ट्रेड दिखाई दे रहा है यूएस के साथ, यानी कि यहाँ पर रशिया के साथ हमारा ट्रेड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। उसके बाद भी फ्रेंड्स यहाँ पर स्विफ्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, उसी को जो यहाँ पर शॉर्ट में स्विफ्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का मेन बैंकिंग मैसेज सर्विस है विच इज यहाँ पर लिंक करते हैं अबाउट 11,000 बैंकिंग और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है मोर देन 200 कंट्रीज के यहाँ पर इंक्लूडिंग इंडिया के। यहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और उसको जो यहाँ पर एक तरीके से रशिया को यहाँ से निकाल दिया तो उसको डेफिनेटली यहाँ पर अपने ट्रांजेक्शन को यहाँ पर एक तरीके से प्रोसेस करने में और उसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कत आ सकती है यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से पूरा ग्लोबल यहाँ पर एक तरीके से वर्ल्ड एक यहाँ पर लिंक होता है तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ पर प्रोसेस करने में देरी होगी और यहाँ पर अपने जो है ग्लोबल ट्रेड पर भी इसका इम्पेक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा फिर अगर बात करते हैं कि बातें निकल करके आ रही है यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया कि रिमूविंग बैंक फ्रॉम स्विफ्ट इज डीम्ड टू बी अ सीवियर क्रॉप बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल बैंक यूज योर सिस्टम, यानी कि सभी बैंक जो इसी सिस्टम का यूज करते हैं और रशिया जो है हेविली रिलायंट होता है इस स्विफ्ट सिस्टम के बेसिस पे, क्योंकि उसका जो की यहाँ पर आस्पेक्ट है ऑयल और गैस एक्सपोर्ट का उसके ट्रांजेक्शन उसी चीज से यहाँ पर प्रोसेस होता है पूरे वर्ल्ड में और रशिया जो है बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है उन सभी यहाँ पर एक तरीके से इस तरीके से उसी गैस या फिर ऑयल के यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स का उसका जो डेफिनेटली इस पे इम्पेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो 2 मार्च को यू ने बहुत सारे रशियन बैंक को यहाँ पर प्रोहिबिट भी कर दिया तो आपको उसको भी यहाँ पर एक तरीके से देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे रशियन बैंक हैं जो कि आप यहाँ पर ना पढ़ सकते हैं, बैंक ऑफ रशिया हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे बैंक जो कि वी भी है तो उसने जो स्विफ्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिस्टम को यहाँ पर एक्सेस करने से उसको बैन कर दिया है। यहाँ पर उसका डेफिनेटली रशियन इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी रुकेंगे तो उससे जो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो था जिसको जो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की और यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पे मेजर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस यहाँ पर एक तरीके से रशिया और यूक्रेन के इन्वेजन की वजह से, तो आपको जो उसको कंसिडर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के जरिए आपको कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू